पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है फल। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है फल। पेड़ ही निज श्वास है, पेड़ ही निज श्वास है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि हमें ये दुर्लभ जीवन इस भारत भूमि पर जन्म लेकर के बिताने का अवसर मिला, जहां देवता भी प्रयास करते हैं कि वो किसी भी रूप में भगवान को, जब मन में आई कि उनको बाल क्रीड़ाएं करनी है तो भगवान कृष्ण बनकर के उन्होंने घुटनों चलकर इस जमीन को चाटा है। भगवान राम को जब अपने शौर्य का प्रदर्शन करना था, आतताई शक्तियों का विनाश करना था, तब भी उन्होंने इस भारत भूमि को चुना। और इसीलिए एकमात्र ऐसा देश है पूरे ब्रह्मांड में जिसे माँ के नाम से संबोधित किया जाता है, भारत माँ, माँ वसुंधरा, धरती माता। आप अन्य किसी राष्ट्र के बारे में माँ जैसी श्रेष्ठ अवधारणाओं को कभी नहीं महसूस करेंगे, लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसे माँ माना गया है। और माँ मानने के पीछे यही कि जब तक ये माँ हमारे सर पर अपने हाथ रखेगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। माँ के बारे में कभी मेरी कलम ने चार पंक्तियां लिखी थी और मुझे अभी भी बहुत बार अनुभव होता है कि इसे शायद श्रेष्ठ मैं कुछ नहीं लिख पाया उसके पश्चात। माँ की जो पूरा शब्द है उसको हम कह सकते हैं कि माँ ममत्व का सार है, खड़ी मात्रा उसकी प्रहरी, चंद्र बिंदु है कुंड प्यार का, मातु जग में प्रभु अवतार। अर्थात यदि आपकी माँ आपके साथ है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिनों पूर्व शायद आपने दैनिक भास्कर में चित्र देखा होगा जिसमें एक मादा जिराफ अपने बच्चे के पास खड़ी है और तीन तरफ से शेर उसके ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन उसकी आंखों में कहीं भय नहीं है, वो केवल माँ हो सकती है। हार्वर्ड में एक बार एक बच्चे से प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ। उस बच्चे ने कहा था कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलते हुए, माँ उसे हवा में उछालती है, बच्चा पूरी तरह से जोखिम में होता है किंतु फिर भी खिलखिलाता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ के हाथ नीचे हैं, वो उसे गिरने नहीं देंगे। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फेथ। तो वो माँ हमारी धरती भी है, वो माँ हमारी भारत माँ भी है, वो माँ हमारी प्रकृति भी है। उसी माँ के प्रति अपने पुत्रों के कृतज्ञता का पावन प्रतीक पर्व है आज का प्रकृति वंदन कार्यक्रम। हम सब इसमें जुड़ करके, हम सब इसके माध्यम से आज यही भावना ग्रहण करें, यही भाव अपने जीवन में उतारें कि हम श्रेष्ठताओं के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आज के इस कार्यक्रम हेतु हमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी का संदेश भी प्राप्त हुआ है, शुभकामना संदेश मिला है। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने शुभकामना संदेश भेजे हैं और देश के विभिन्न कोनों में बैठे हुए लोग भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सब नियत समय पर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर उन्मुख होंगे। तकनीक हमारे लिए सहायक भी होती है और शत्रु भी, लेकिन तकनीक का यदि सकारात्मक प्रयोग किया जाए तो वो हमारे लिए सहायक ज़्यादा सिद्ध हो पाती है। इसका उदाहरण आज हम यहाँ देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में जब एक व्यक्ति से दूसरे के पास पहुँचना भी दुर्लभ हो रहा है, संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों में ये कार्यक्रम प्रसारित होगा और ये जयघोष, ये शंखनाद यहाँ से होगा। उस शंखनाद को करने के लिए, उसका पावन आशीर्वचन हमें देने के लिए हम सब के श्रद्धे डॉक्टर मोहनलाल जी भागवत सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हमारे मध्य होंगे। तो यहाँ से यही उद्घोष प्रसारित होगा कि हम भारत के लोग कैसे प्रकृति को, कैसे इससे जुड़े हुए प्रत्येक जीव चराचर को अपने जीवन में स्थान देते हैं। हम सबका भी ये दायित्व बनता है इस कार्यक्रम से निकली प्रेरणाओं को जीवन में स्थान प्रदान करें। तकनीक बहुत काम कर सकती है लेकिन संस्कार जो काम करता है वो तकनीक नहीं कर सकती। तकनीक से आप बिजली बना सकते हैं, धूप नहीं बना सकते। इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी आत्मा पर जमे हुए कलुष को धोने का नियमित कार्य करते रहें। यही प्रयास हम सबका है, यही हम सबका यहाँ से एक प्रयास रहेगा कि सबके जीवन में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को हम पहुंचा पाएं, उनके प्रति अपनी श्रेष्ठताओं को जोड़ करके उनके एक कृतज्ञ शिशु की भांति किसी प्रकार का अत्याचार, अन्याय प्रकृति के साथ ना करते हुए उसके साथ आगे बढ़ने का हम सब लोग प्रयास करें। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सहभागियों से कि अब वो सौभाग्य का क्षण जब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारे सम्मुख है।
आज इस कार्यक्रम की महत्ता इसलिए भी है कि हमें संतों का आशीर्वाद यहाँ मिलने वाला है, हमें यहाँ पर सरसंघ चालक जी का आशीर्वचन मिलने वाला है, और उसके साथ साथ में अनेक अनेक स्थानों से, भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के स्थानों से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से भी एक भाव हम सब उन तक प्रेषित करने वाले हैं कि हमारे लिए माँ प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे बढ़कर कोई नहीं, उनके प्रति पल प्रतिपल कृतज्ञता हमारी बनी रहे, उनके प्रति हमारी जागरूकता, हमारा दायित्व बोध बना रहे, हम उसको कभी विस्मृत ना करें, दायित्व का कभी विस्मरण ना हो, ये बहुत आवश्यक है। इसी भाव को लेकर आज का हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा आयोजित प्रकृति, पर्यावरण, वन और संपूर्ण जीव सृष्टि के संरक्षण के लिए प्रतीक पर्व प्रकृति वंदन, भगवान भास्कर और आज माँ प्रकृति की भी कृपा देखिए कि इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व भगवान इंद्रदेव ने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया, और बहुत ही सुंदर ये प्रांगण, ऐसा प्रांगण आध्यात्म का, ऐसा प्रांगण जो आध्यात्म की रश्मियों को बिखेरता है, पूरे विश्व में भारत की आध्यात्मिक परंपरा को लेकर जाने वाला स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम जयपुर, और हम सब यहां से इस कार्यक्रम को संचालित और आयोजित कर पा रहे हैं। मैं पुनः आप सभी का, जहां कहीं भी जुड़े हुए लोग हैं, उन सब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। HSS फाउंडेशन अनेकानेक प्रकल्प संचालित करता है, उनमें मुख्य अवधारणा यही रहती है कि भारत की संस्कार पद्धति को मजबूती के साथ जीवन में उतार सकें। जैसा आप सबसे मैंने पूर्व में भी कहा था, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके गर्व गौरव और भारत की पताका को पूरे विश्व में नए आयामों तक पहुंचाने के लिए एक अग्रदूत की भांति भूमिका निभाने वाले हम सबके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने इस कार्यक्रम हेतु अपना शुभकामना संदेश भेजा है। मूलतः वो शुभकामना संदेश अंग्रेजी में है, उसका हिंदी आयोजन, उसका अनुवाद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन HSSF द्वारा प्रकृति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रकृति की मात्र स्वरूप आराधना का ये बड़ा सुंदर प्रयास है। वृक्ष वंदन एवं वृक्ष आरती माँ प्रकृति के प्रति स्नेह अभिव्यक्ति के सराहनीय माध्यम है। कार्यक्रम की परिकल्पना इस प्रकार से की गई है कि लोग अपने घर बैठे ही इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपने अपने घरों से वृक्ष आरती कर सकते हैं। वर्तमान समय में ऐसा ही करना उचित भी है। प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार हमारी जीवन शैली रही है। भारत देश के 130 करोड़ देशवासी प्रकृति संरक्षण के लिए कृत संकल्प हैं। जन भागीदारी के सुखद परिणाम भी नजर आने लगे हैं और विगत कुछ वर्षों में देश की वृक्ष और वन संपदा में अभिवृद्धि हुई है। हम बड़े उत्साह से प्रगति कर रहे हैं ताकि हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक बेहतर वातावरण का सृजन कर सकें। फाउंडेशन की पहल से हमारी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के देश के समन्वित प्रयासों को बल मिलेगा। मैं कामना करता हूं कि फाउंडेशन प्रेम, समरसता, दया और भाईचारे के सनातन और सार्वभौम संदेश का प्रसार करने में अपना योगदान करता रहे। मैं आयोजकों एवं प्रतिभागियों को उनके संरक्षण के प्रयासों में सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नरेंद्र मोदी, ये उनका पावन संदेश हमें मिला, ये हमारा सौभाग्य है। हम उनके प्रति अपना धन्यवाद, अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं। अब इस कार्यक्रम की संपूर्ण प्रस्तावना को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हिंदी स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक पूज्य श्री गुणवंत सिंह जी कोठारी भाई साहब को आप पधारे और इस संपूर्ण कार्यक्रम की अवधारणा से हम सबको अवगत करवाएं। पूज्य गुणवंत सिंह जी कोठारी, सर्वप्रथम मैं भारत वर्ष के सभी मत पंथ संप्रदायों के जगत गुरु एवं आचार्यों के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। जयपुर के अक्षरधाम मंदिर के इस पवित्र आध्यात्मिक वातावरण से युक्त प्रांगण में
आज यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है उनको भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना संदेश देकर के और इस कार्यक्रम की ऊंचाइयों को बढ़ाया, उनके प्रति भी मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ दिनों के अंदर उनकी विविध विधाओं के माध्यम से और इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाया, उनके प्रति भी मैं मेरी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। एवं उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं को जिन्होंने परिश्रम करके और अनेक लोगों को इसमें जोड़ा है, उन कार्यकर्ताओं के परिश्रम को भी मैं नमन करता हूं। हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन, इनिशिएटिव फॉर मोर एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तत्वाधान में आयोजित आज के इस प्रकृति वंदन कार्यक्रम में भारत सहित विश्व के 15 देशों के लगभग 15 लाख परिवार आज इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं और लगभग इतने ही परिवार जिनका हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वे भी इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं। कुल मिलाकर के लगभग 60 लाख से भी अधिक बंधु भगिनी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आज पर्यावरण को लेकर के संपूर्ण विश्व चिंतित है। भारत को छोड़ करके संपूर्ण विश्व ने इस प्रकृति को एक भौतिक स्वरूप के अंदर देखा है। ये मान्यता उनके अंदर घर कर गई कि भगवान ने इस संपूर्ण विश्व को हमारे उपभोग के लिए, आनंद के लिए ही बनाया है, यानी एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के रूप में उन्होंने देखा और उन्होंने अपने सुख सुविधाओं के लिए पिछले 300 वर्षों के अंदर किस प्रकार से एक स्थिति निर्माण कर दी कि सब लोग आज चिंतित हैं। भारत के ऋषियों ने हमें एक अलग दृष्टि दी। उन्होंने कहा कि यह विश्व केवल भौतिक विश्व नहीं है, इस विश्व के कण कण के अंदर वह परम चेतना, ईश्वरीय चेतना विराजमान है। कीट पतंग, स्थावर जंगल, जलचर, नभचर, थलचर, इनमें निवास करने वाले 84 लाख योनियों की जो बात हमने कही है, उस सब के अंदर वह परम चेतना विद्यमान है और उसको ईश्वर के अंश के रूप में हमें देखना चाहिए। ये दृष्टि हमारे सभी आचार्यों ने हमें दी, उसके कारण से हमने उसके अंदर एक दिव्यता का अनुभव किया। ईसा वश इदम सर्वम, ये बात हमारे यहाँ कही गई। जब हमारे को ये दृष्टि मिली तो हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल गया और हमने इस धरती को एक जमीन का टुकड़ा नहीं कहा, एक पीस ऑफ लैंड नहीं कहा, बल्कि धरती माता का संपूर्ण वसुधा हमारी माँ है। इन पवित्र नदियों को केवल हमने जल ले जाने वाली सरिताएं नहीं कहा, बल्कि इनके साथ हमने संबंध जोड़ा, गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, माँ का संबंध जोड़ा। इन सारे पर्वतों को हमने केवल पर्यटन का स्थल नहीं माना, बल्कि इनको भी हमने पूजनीय और वंदनीय माना, देवतात्मा हिमालय कहा। इन्हें कहने का मतलब इस चराचर सृष्टि के साथ में हमने इस प्रकार का संबंध स्थापित किया और हमारे ऋषियों ने गहन वनों में रह करके जो अनुभूति की, जो इस पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड में है। यह एक प्रकार से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। इस प्रकार की अनुभूति के आधार पर और उन्होंने कहा कि जो इस पिंड में है यानी मनुष्य के शरीर में है वही इस ब्रह्मांड के अंदर है। ये खोज सत्य, इसकी अनुभूति इस देश के प्राचीन ऋषियों ने की और हमारे संस्कारों के अंदर ये आए। ये केवल एक दार्शनिक स्तर पर नहीं रहे बल्कि हमारे प्रतिदिन के संस्कारों में आए
इसके लिए उन्होंने प्रातः काल उठते ही भूमि वंदना, स्नान करते समय में इसमें सारी नदियों का जल है, इस प्रकार का एक अनुभव हमको कराने का प्रयत्न किया और एकात्म भाव हमने अनुभव किया, उसका हमारे महान ऋषियों ने, महान मनुष्यों ने अपने जीवन में चरितार्थ करके बताया। रामकृष्ण परमहंस एक बेल को व्यक्ति लाठी मार रहा था, उसके निशान उनकी पीठ पर दिखाई देते हैं। संत एकनाथ जल लेकर के जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक श्वान को व्याकुल देखते हैं प्यास से, वो गंगा जल उसी को दे देते हैं, मेरा भगवान तो मुझे मिल गया। संत नामदेव एक यानी श्वान कुछ रोटी उनके लेके चला जाता है, वो कहते हैं भगवान इसको चुपड़ने तो दो। इन इस प्रकार की एकात्मता की अनुभूति संपूर्ण जीव सृष्टि के साथ हमारे इन महान पूज्यवरों ने की, और उसी का एक परिणाम था कि पेड़ों को बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए हम कहाँ तक बलिदान दे सकते हैं। राजा श्री का उदाहरण हमारे सामने है, कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट के दे देते हैं, विश्व के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। पेड़ पौधों को बचाने के लिए सन 1730 के अंदर जोधपुर के पास खेजड़ली ग्राम के अंदर अमृता देवी जो 28 अगस्त उसका सारा दिन था, अभी दो दिन पहले पेड़ से चिपक गई और उसने पेड़ को कटने नहीं दिया अपनी तीन लड़कियों के साथ में, और वहाँ के करीब 330 लोग गांव के आकर के पेड़ों से चिपक गए, बलिदान दे दिया, लेकिन उन्होंने पेड़ों को कटने नहीं कर दिया। ये एकात्मता की अनुभूति और आज हमारे यहाँ की गई। आज हम देखते हैं जिन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया वे गौतम बुद्ध, वे भी जो है और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ऋषभ देव जो प्रथम जैन तीर्थंकर हैं वो वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। महावीर स्वामी जो शाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ध्रुव जिसने तपस्या की जंगल में जाकर के वो एक वृक्ष के नीचे बैठा है। इसका कहने का मतलब है इस सारे प्रकृति के अंदर जो वृक्ष हैं वो एक चेतना के साकार स्वरूप हैं, उन्हीं के छत्र छाया में बैठ करके हमारे लोगों ने आत्म साक्षात्कार का अनुभव किया है। तो आज का ये प्रकृति वंदन का कार्यक्रम संपूर्ण विश्व के अंदर इन संस्कारों को वापस जागृत करने का एक प्रयास हम कर रहे हैं कि आज हम इस संपूर्ण प्रकृति के साथ, जीव सृष्टि के साथ संबंधों की अनुभूति करें और उस संबंधों के आधार पर ही हमारे मन में कर्तव्य का निर्धारण होगा। जब कर्तव्य निर्धारण होगा तो हमें एक आनंद आएगा। आज संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है, विश्व के दार्शनिक, विश्व के शोधकर्ता, उनके साइटेशन आज उपलब्ध हैं, मैं उनको अधिक कोट करके समय नहीं लेना चाहता। और अगर आप उनको देखेंगे तो लुकिस्ट की बात चल रही है। लुकिस्ट का मतलब क्या है कि आज संपूर्ण इस प्रकृति को बचाने के लिए कोई भी थॉट, कोई भी विचार भारत के अलावा किसी के पास में नहीं है। लुकिस्ट का मतलब भारत की ओर देखना, भारत की ओर देखने का मतलब भारत की उस फिलोसॉफी की ओर देखना, वो फिलोसॉफी जो और प्राणी मात्र के कल्याण की बात करती है, संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानती है, उसी कुटुंबकम की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है, वो भारत का दर्शन है। और आज संपूर्ण विश्व को इसी दर्शन की आवश्यकता है, इसी दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने के लिए प्रकृति वंदन केवल एक पेड़ की प्रतीकात्मक पूजा हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत में व्यास पर ब्रह्म परमेश्वर उसका हम और अनुभव कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और हम अपने जीवन के अंदर एक मानसिक संकल्प में हम संपूर्ण प्रकृति को और सुरक्षित रखेंगे, उसे और विकृत नहीं होने देंगे। मेरी संपूर्ण जीवन शैली के अंदर मैं इस प्रकार का परिवर्तन लाऊंगा, आने वाले 20-25 वर्षों के अंदर ये संपूर्ण विश्व प्रदूषण से मुक्त होकर के और सारे विश्व भावना से युक्त होकर के और मानव जीवन की जो ऊंचाइयां हैं उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुणवंत सिंह जी कोठारी ने, हमें बहुत श्रेष्ठताओं के साथ भारतीय आध्यात्म को, लुक ईस्ट की अवधारणा को हमारे सबके सामने स्पष्ट किया। अब हमारे लिए भाई साहब ने जो विषय हम सबके सामने रखा वो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण विश्व दुखी है, इस बात को लेकर कि हमने विकास तो बहुत किया, हमने सृजन के नाम पर विनाश तो बहुत फैलाया, लेकिन अब उसी विनाश से हम डरे डरे फिर रहे हैं।
आज हमने इतने अणु परमाणु अस्त्र बना दिए, इनको बनाने के लिए कोई एलियन नहीं आए थे, लेकिन हमने इन पर काम नहीं किया, इनके चलाने वालों पर काम नहीं किया, हमने संस्कार पद्धति पर काम नहीं किया, हमने प्रकृति के संरक्षण की बात नहीं की, तब देखने में आता है कि पूरा विश्व भारत की ओर सिर्फ देखता है। उसे आशा की किरण यदि कहीं नजर आती है तो वो केवल भारत है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र जिसने वसुधैव कुटुंबकम का न सिर्फ नारा दिया बल्कि उसकी जीवन पद्धति का वो भाग, वो अहम हिस्सा भी रहा है। हमने न सिर्फ जीवों में अपितु इस संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक कण कण में प्रतिपल ईश्वरीय सत्ता की विद्यमानता को अनुभव किया है। हमारी संस्कृति का, हमारे मनीषियों का मानना है कि संपूर्ण धरा में जितने जीव चराचर पशु पक्षी पेड़ जितने भी अवयव हैं वो सब हमारे बंधु हैं, हम सबको साथ लेकर के चलें। सो आप अपने बच्चों तक में ये संस्कार डालते हैं कि वो चींटी को भी दाना डालें, वो कबूतर को भी दाना डालते हैं, वो माँ प्रकृति का भी वंदन करते हैं, तुलसी को हम माता मानते हैं, पीपल को हमने इतना पूज्य बनाया, उसकी श्रेष्ठताओं को बनाया, क्योंकि वहां से निकलने वाली 24 घंटे की ऑक्सीजन इस बात का प्रमाण है कि उनका संपूर्ण जीवन केवल देने के लिए बना है। और देवता किसे कहते हैं? जो देह प्रकृति हमें केवल देने का काम करती है, हमसे पुनः मांगने का उसका कोई भाव नहीं होता। ऐसी ही माँ प्रकृति के पावन पूजन का ये प्रतीक पर्व है। गुरुवंत जी भाई साहब ने हमें इस विषय पर पूरी बात को रखा, और आगे हमें पाठ्य जो मिलने वाला है वो भी इसी विषय को लेकर के होगा, वो भी इसी अवधारणा को और मजबूत करने को लेकर के होगा कि कैसे हम प्रकृति के साथ में अपने तादात्म्य को बिठाएं। हमारे यदि वेदों को हम पढ़ते हैं, आप अलग अलग वेदों को पढ़ें, वेद में हम देखते हैं कि ऋग्वेद में एक उक्ति आती है, धौर में पिता जनिता नाभि रत्र बंधुर में माता पृथ्वी महियम, अर्थात हम इस संपूर्ण पृथ्वी को अपनी मां मानते हैं, हमारे आकाश तत्व को हम अपने जीवन में बड़ी महत्ता प्रदान करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के प्रति, इसके जीव चराचर के प्रति हम सबका बहुत कृतज्ञता का भाव बना रहे। अब अगले पाठ्य के लिए मैं जिस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं उनके साथ जुड़े होना हम सबका परम सौभाग्य। हम कह सकते हैं कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। अपने जीवन का कण कण और समय का क्षण क्षण मां धरती को, इस मां भारती को समर्पित करने वाले उनके पुत्र और हम सब के परम पूज्य सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आदर के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, हृदय के पूरे उल्लास के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मोहन राव जी भागवत, सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन द्वारा 30 अगस्त को संपन्न किए जाने वाले पर्यावरण दिवस के विशिष्ट कार्यक्रम में हम सब लोग सहभागी हो रहे हैं। पर्यावरण यह शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है और बोला भी जाता है, और उसका एक दिन मनाने का भी यह जो कार्यक्रम है वह भी अर्वाचीन है। उसका कारण है कि अभी तक दुनिया में जो जीवन का तरीका था या है, अभी भी बहुत मात्रा में है, प्रचलित है, वो तरीका पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। वो तरीका प्रकृति को जीतकर मनुष्य को जीना है ऐसा मानता है। वो तरीका प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए है, प्रकृति का कोई दायित्व मनुष्य पर नहीं है, मनुष्य का पूरा अधिकार प्रकृति पर है, ऐसा मानकर जीवन को चलाने वाला वो तरीका है। और ऐसा हम गत 200 साल से जी रहे हैं, 250 साल से जी रहे हैं, उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं,
उसकी भयावहता अब लोगों को दिख रही है। ऐसे ही चला तो इस सृष्टि में जीने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे, अथवा यह भी हो सकता है कि यह सृष्टि ही नहीं रहेगी। और इसलिए मनुष्य विचार करने लगा तो उसको लगा कि इस पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए और इसलिए पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। परंतु यह हो गई आजकल विशेषकर 2000 वर्ष पुराने समय से प्रचलित और विशेषकर पिछले 300 वर्षों में अधिक भटका हुआ ऐसा जो तरीका हमने अपनाया उसकी बात हुई। लेकिन भारत का हमारा तरीका एकदम भिन्न है। अस्तित्व के सत्य को हमारे पूर्वजों ने उसकी पूर्णता में समझ लिया और तब से उन्होंने ये समझा कि हम भी पूरे प्रकृति के एक अंग हैं। शरीर में जैसे शरीर के सब अंग काम करते हैं तब शरीर चलता है और जब तक शरीर चलता है तब तक ही शरीर का कोई अंग चल पाता है। शरीर में प्राण नहीं रहा तो हृदय बंद होता है, थोड़ी देर में दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, सबसे आखिरी में अंतड़ियों के स्नायु बंद हो जाते हैं, लेकिन सभी अवयव काम करना छोड़ देते हैं, मर जाते हैं। शरीर अंगों के कार्य पर निर्भर है, अंग शरीर से मिलने वाली प्राणिक ऊर्जा पर निर्भर है। यह परस्पर संबंध सृष्टि का हमसे है, हम उसके अंग है, सृष्टि का पोषण हमारा कर्तव्य है। अपने प्राण धारणा के लिए हम सृष्टि से कुछ लेते हैं, शोषण नहीं करते, सृष्टि का दोहन करते हैं। यह जीने का तरीका हमारे पूर्वजों ने समझा और केवल एक दिन के नाते नहीं, एक डे के नाते नहीं, तो पूरे जीवन में उसको रचा पचा लिया। हमारे यहां ये स्वाभाविक कहा जाता है कि भाई शाम को पेड़ों को मत छेड़ो, पेड़ सो जाते हैं। पेड़ों में भी जीव है, जीव सृष्टि का वो हिस्सा है, जैसे एनिमल किंगडम है वैसे प्लांट किंगडम है। ये आधुनिक विज्ञान का ज्ञान हमारे पास आने के हजारों वर्ष पहले से हमारे देश का सामान्य अनपढ़ आदमी भी जानता है पेड़ों को शाम को छेड़ना नहीं चाहिए। अपने जीवन के तरीके में क्या करना क्या रहना सारा अनुस्यूत है। हमारे यहां रोज चींटियों को आटा डाला जाता था, हमारे यहां घर में गाय को गोग्रास, कुत्ते को श्वान बलि, पक्षियों को काक बलि, कृमि कीटकों को लिए बलि, और अतिथि भूखा कोई गांव में है उसके लिए ऐसे 5 बलि चढ़ाने के बाद गृहस्थ भोजन करता था। ये बलि याने प्राणी हिंसा नहीं थी, ये बलि याने अपने घर में पका हुआ अन्न इन सबको देना पड़ता है। इन सबका पोषण करना मनुष्य की जिम्मेवारी है, क्योंकि इन सब से पोषण मनुष्य को मिलता है। इस बात को समझकर हम जीते थे, इसलिए हमारे यहां नदियों की भी पूजा होती है, हमारे यहां वृक्षों की भी, पेड़ पौधों की, तुलसी की पूजा होती है, हमारे यहां पर्वतों की पूजा प्रदक्षिणा होती है, हमारे यहां गाय की भी पूजा होती है, सांप की भी पूजा होती है। संपूर्ण विश्व जिस एक चराचर चैतन्य से व्याप्त है उस चैतन्य को सृष्टि के हर वस्तु में देखना, उसको श्रद्धा से देखना, आत्मीयता से देखना, उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना और परस्पर सहयोग से
सबका जीवन चले ऐसा करना, ये जीवन का तरीका था। भगवद गीता में कहा है परस्परम भावयंतम, देवों को अच्छा व्यवहार दो, देव भी आपको अच्छा व्यवहार देंगे। परस्पर अच्छे व्यवहार के कारण सृष्टि चलती है। इस प्रकार का अपना जीवन था, लेकिन इस भटके हुए तरीके के प्रभाव में आकर हम उसको भूल गए। इसलिए आज हमको भी पर्यावरण दिन के रूप में इसको मनाकर स्मरण करना पड़ रहा है। वो करना चाहिए, अच्छी बात है। ऐसा स्मरण हर घर में होना चाहिए। ऐसे स्मरण का हमने प्रवर्तित किया हुआ इस साल का 30 अगस्त होगा, लेकिन हमारे यहां नागपंचमी है, हमारे यहां गोवर्धन पूजा है, हमारे यहां तुलसी विवाह है। इन सारे दिनों को मनाते हुए आज के संदर्भ में उचित ढंग से मनाते हुए हम सब लोगों को इस संस्कार को अपने पूरे जीवन में पुनर्जीवित और पुनर्संचरित करना है, जिससे नई पीढ़ी भी उसको सीखेगी, उस भाव को सीखेगी। हम भी इस प्रकृति के एक घटक है, हमको प्रकृति से पोषण पाना है, प्रकृति को जीतना नहीं, हमको स्वयं प्रकृति से पोषण पाकर प्रकृति को जिलाते रहना है। इस प्रकार का विचार करके आगे पीढ़ी चलेगी, तब ये विशेषकर पिछले 300-350 वर्षों में जो खराबी हुई है उसको आने वाले 100-200 वर्षों में हम पाट जाएंगे। सृष्टि सुरक्षित होती, मानव जाति सुरक्षित होगी, जीवन सुंदर होगा। इस दिन को मनाते समय ये केवल कोई अपना एक मनोरंजन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं ऐसा भाव न रखते हुए संपूर्ण सृष्टि के पोषण के लिए, अपने जीवन को सुंदरता पूर्ण बनाने के लिए, सबकी उन्नति के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा हमको भाव मन में रखना चाहिए और आंखें खोलकर इस एक दिन का संदेश साल भर पूरे जीवन में छोटी छोटी बातों का विचार करते हुए अपने आचरण में उतारना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस चिंतन को आपके विचार के लिए आपके सामने रखता हूं। इस दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूं और मेरा कथन समाप्त करता हूं। खड़े हैं तो बिल्कुल मौन अवस्था में खड़े रहें, जमीन पर बैठे हैं तो सिद्धासन या सुखासन में कमर सीधी कर बैठे। अभी हम वंदन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने मन में आंखें बंद कर वृक्ष का ध्यान करेंगे। बड़े ही सम्मान के साथ और बड़े ही श्रद्धा के साथ हम यह प्रकृति वंदन कर रहे हैं। यह मात्र कर्मकांड नहीं है, यह प्रकृति वृक्ष पेड़ पौधों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। हम संकल्पित हैं कि हम वृक्षों को ध्यान रखेंगे, वृक्षों का लालन पालन करेंगे। मेरा सबसे निवेदन है हलचल को समाप्त करिए, 3 बार वृक्ष का ध्यान करते हुए ओंकार का बोलना है। मैं एक बोलूंगा तो आपको ओंकार बोलना शुरू करना है, 1 में श्वास लेना, 2 में ओंकार बोलना प्रारंभ करना, 1 2। बड़े ही श्रद्धा से पुनः एक बार ओम का जाप करेंगे, 1 बोलने पर श्वास लेना, 2 में ओंकार बोलना, 1 2। जो जो बंधु मेरी आवाज सुन रहे हैं, थोड़ा श्रद्धा से बिना हलचल किए
अपने स्थान पर बैठें। पुनः एक बार, एक में श्वास, एक दो। अब हम सभी शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से इस प्रांगण में आ गए हैं। प्रकृति के प्रतीक रूप में वृक्ष का वंदन करने के लिए हम अपने परिवार सहित एकत्र हैं। सर्वप्रथम वंदन को प्रारंभ करते हुए पूजा की थाली से रोली लेकर अपने दाहिने हाथ के वृक्ष को तिलक करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। मंत्र: हरि ही ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो खदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। अब अपने वृक्ष व पौधे की रक्षा करने का संकल्प लेते हुए वृक्ष को रक्षा सूत्र रूप में मोली बांधेंगे। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम् अभिबध्नामि रक्षे माचल माचल सर्वकर्म फलावाप्त्यै कंकणं सूत्र निर्मितं हस्ते बध्नामि सुभग त्वं जीव शरदां शतम्। अब हम सभी को अपनी थाली में रखे जल के लोटे को अपने हाथ में लेना है और वृक्ष को जल समर्पित करते हुए यह भाव अपने मन में रखना है, जैसे मैं प्रतिदिन भोजन करता हूँ, जैसे प्रतिदिन मैं अपने परिवार की भोजन इत्यादि व्यवस्था में संलग्न रहता हूँ, वैसे ही मैं इस प्रतीकात्मक कार्यक्रम के रूप से अपने प्रतिदिन के जीवन में वृक्ष को जल समर्पित करूँगा। वृक्ष को जल अर्पित करिए। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अब अपने अपने थाली में रखे दीपक को प्रज्वलित करना है और हमें वृक्ष की आरती प्रारंभ करनी है। अपने अपनी थाली में रखे अपनी अपनी थाली में रखे दीपक को सब प्रज्वलित कर लीजिए। आरती प्रारंभ करें। जय जय वृक्ष देवा स्वामी जय जय वृक्ष देवा मधुर मधुर फल दाता भैया भैया दिखा दू शीतल छाव दाता जय जय वृक्ष देव तुम स्वस्थ सुखी हो सब जन स्वस्थ सुखी हो सब जन तुम आश्रय दाता जय जय वृक्ष देवा। हेलो
हेलो तुम बिन ना होते प्रभु तुम बिन ना होते तुम दे कर के निमंत्रण तुम दे कर के निमंत्रण बादल बरसाते ओम जय जय वृक्ष देवा चहकते डाल डाल तेरी हो डाल डाल तेरी कोयल कुहू कुहू के कोयल कुहू कुहू कुके महिमा गाए तेरी ओम जय जय वृक्ष देवा आरोग्य है तुमसे मिलता फल फूल मिले अनुपम फल फूल मिले अनुपम परोपकारी प्रभु तुम हो परोपकारी प्रभु तुम हो तुम जीवन दाता अब हम सभी को पूजा की थाली को स्थान पे नीचे रखें और वृक्ष की पांच परिक्रमा हमें करनी है। परिक्रमा करते वक्त हमारे मन में यह विश्वास और यह संकल्प का भाव प्रदीप्त करना है कि प्रकृति के रूप में भौतिक सुख सुविधाओं के अर्जन करने में हमने जितना प्रकृति को आज नुकसान किया है वह आने वाले समय में हम प्रकृति की रक्षा में अपनी शक्ति को लगाएंगे और वह शक्ति को हम अपने जीवन में प्रकृति के सूत्रों के रूप में चाहे वह नदी हो चाहे वह पर्वत हो चाहे वह पौधा हो या कोई भी जीव की सृष्टि का प्रतीक मात्र हो हम उसकी रक्षा करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है एक बार परिक्रमा पूरी होने के बाद संकल्प के लिए सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। यहाँ संकल्प दोहराया जाएगा और हम सब अपने अपने स्थान पर संकल्प को दोहराएंगे। जिन जिन की परिक्रमा पूर्ण हो गई है उनसे मेरा विनम्र निवेदन वृक्ष के समक्ष संकल्प के लिए स्थिर खड़े रहें। परिक्रमा पूर्ण हो गई, अब हम संकल्प बोलेंगे। संकल्प को दोहरान करना है। मैं वनों के प्रतीक रूप में वृक्षों का सम्मान करूंगा। मैं वन्य जीवों के प्रतीक के रूप में नागों सर्पों का सम्मान करूंगा। मैं जीवित प्राणियों के प्रतीक रूप में गायों का सम्मान करूंगा। मैं प्रकृति के प्रतीक रूप में गंगा का सम्मान करूंगा। मैं पर्यावरण के प्रतीक रूप में
धरती माता का सम्मान करूंगा, धरती माता का सम्मान करूंगा। मैं मानवीय मूल्यों के प्रतीक रूप में अभिभावकों का सम्मान करूंगा, अभिभावकों का सम्मान करूंगा। मैं शिक्षण के प्रतीक रूप में अध्यापकों का सम्मान करूंगा, अध्यापकों का सम्मान करूंगा। मैं मातृत्व के प्रतीक रूप में स्त्रियों का सम्मान करूंगा, स्त्रियों का सम्मान करूंगा। मैं भारत के प्रतीक रूप में युद्ध नायकों का सम्मान करूंगा, संकल्प पूर्ण हुआ। एक मिनट के लिए जैसे प्रारंभ में हमने वृक्ष का ध्यान करने के लिए ओंकार किया था, आप जिस भी मुद्रा में बैठे हैं, खड़े हैं, अपनी आंखें बंद कर हमने विगत 10 मिनट में जो जो प्रकृति वंदन का कार्यक्रम किया, उसको अपने हृदय के अंतःस्थल पर पुनर्जीवित कर एक बार उसे महसूस करें। एक बार एक मिनट के लिए ध्यान। सभी लोग सीधे, आंखें बंद। यह प्रकृति वंदन केवल मात्र कर्मकांड नहीं है, मैं संकल्पित हुआ हूं प्रकृति की रक्षा को करने के लिए, जीव सृष्टि की रक्षा करने के लिए। प्रकृति, परिवार, स्त्री और देश, इनके सम्मान को, इनके संरक्षण को करने के लिए मैं संकल्पित हुआ हूं। हिमालय के वो तुंग शिखरों से बहने वाली हवाओं को महसूस करिए। प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता को अपने हृदय के अंतस्थल पर लेकर आइए। अपने संकल्प को एक बार पुनः मजबूत करने का प्रयत्न करिए। ध्यान। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमने ये पूजन की प्रक्रिया को पूर्ण किया और यह सिर्फ भारत है जो ऐसा कर सकता है। कहा जा सकता है कि संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु, हम रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू, हम अपने लिए न केवल जग के लिए जिए हैं, हमने नदीच बनकर निज प्राण तक दिए हैं। हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री सतीश जी पूनिया भाई साहब भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब हमें संत आशीर्वचन का आनंद लेने को मिलेगा और आज संत आशीर्वाद के रूप में हमारे मध्य होंगे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य श्री श्री रविशंकर जी। आपका जन्म 13 मई 1956 को हुआ और आपने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना सन 1981 में की। भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म विभूषण आपको 28 मार्च 2016 को मिला। आप भारत की संत परंपरा के पावन प्रांजल प्रतीक हैं और आज यहाँ संतों के सानिध्य में और ना जाने विश्व के कौन कौन से कोने में बैठे सभी संतों के चरणों में हम अपना अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस संत परंपरा के लिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे चिंतन की धारा से ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ, मैंने जब ऋचा उचारी तो सुर संस्कृति का फैलाव हुआ। मैं याज्ञवल्क्य, मैं ही वशिष्ठ, मैं परशुराम भागीरथ हूँ, जो कभी अधूरा रहा नहीं
मैं ऐसा प्रबल मनोरथ हूँ, प्रण पूरा करने महाकाल काल चक्र अवरोधक हूँ, मैं शून्य किंतु फिर भी विराट, मैं आदि ऋचा उद्घोषक हूँ, मेरा परिचय क्या पूछ रहे, रचियता रक्षक पोषक हूँ, रचियता रक्षक पोषक हूँ। ऐसी ही संत परंपरा के पावन प्रांजल प्रतीक पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हमारे मध्य हैं, आपसे अनुरोध कि आप हमें उद्बोधित करें, अपने आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम की सार्थकता को संपन्न करें। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी। परमात्मा प्रकृति में लीन है, जैसे तिल में तेल वैसे इस सारे संसार में परमेश्वर है। प्रकृति की पूजा परमात्मा की पूजा है, ईश्वर की पूजा है। हम सबको प्रकृति का संरक्षण करना आवश्यक है। यह संदेश भारत से सदियों से आ रही है, पूरी दुनिया को भारत ने दिया है यह संदेश। यहाँ के पर्वत में परमात्मा है, नदियों में परमात्मा है, वृक्षों में परमात्मा है, सूरज चांद में हमने परमात्मा को देखा, जानवरों में देखा, जीव जंतु में देखा और इंसान में देखा, मनुष्य में भी हम देखते हैं परमात्मा। ऐसा जब एक सुंदर प्रकृति हमारी है, इसका संरक्षण की जब जिम्मे भी हमारे ऊपर है, तो हम हर एक व्यक्ति प्रकृति का संरक्षण का प्रतिज्ञा लें। तो भारत पर्यावरण के दृष्टिकोण से दुनिया का एक आदर्श देश बन के उभर आएगा। पूजा के नाम से हम नदियों में चुनरी चढ़ाते हैं, चूड़ियाँ लगा देते हैं, प्लास्टिक की फूलों को फेंक देते हैं। इन सब प्रदूषण से हमें अपनी नदियों को बचाना पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक अंधविश्वास है और अनभिज्ञता है। प्रकृति की पूजा भाव से होता है, अपने हृदय में भाव रखें और उसके शुद्धता को हम बरकरार बनाए रखें तो हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। हमारे देश में 7 लाख गांव हैं, हर गांव की तालाब यदि शुद्ध जल का, पवित्र जल का स्रोत बन जाए, देश में कहीं भी पानी के लिए हाहाकार नहीं हो सकता। स्वाभिमान जगाने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें स्वाभिमान जगानी पड़े। स्वाभिमान का एक अंग है हमारी संस्कृति को हम पहचाने और उसको आदर करें। और हमारी संस्कृति यही है, वृक्षों को नदियों को पूजनीय मानना, पेड़ पौधों को पूजनीय मानना, पशु पक्षियों को पूजनीय मानना। हर घर में तुलसी तो रखते ही हैं, हर आंगन में तुलसी का पौधा हम लगाते ही हैं। ऐसे हर व्यक्ति 5-5 पौधे लगाना शुरू कर दें, हम अपने जीवन में बड़े बड़े वृक्ष लगाएं, 5 बड़े वृक्ष लगाएं जो हमारे जीवन काल के भी उपरांत जीवित रह सके, तो हम अमरत्व को प्राप्त करेंगे। आपने सुना होगा विदुर ने अश्वत्थ वृक्ष लगाया, तो वो आज भी है, 5,000 साल के बाद भी वो विदुर के वृक्ष हैं। इस तरह से हर पवित्र क्षेत्र में भी एक एक वृक्ष स्थल वृक्ष करके होता है। आप दक्षिण भारत में किसी भी मंदिर में जाइए, हर मंदिर का अपना विशेष स्थल वृक्ष होता है, वहाँ तीर्थ कुंड भी होते हैं, जल के स्रोत भी होते हैं। ऐसे हम हर गांव को एक पवित्र गांव बनाएं, समृद्ध गांव बनाएं, शहर के हर मोहल्ले को शुद्ध रखें, वहाँ वृक्ष अवश्य लगाएं और पौधों को हम संरक्षण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, वो इस श्रेष्ठ काम में लगे। भारत के 1 करोड़ लोग जुटकर इस वृक्ष यज्ञ में या प्राकृतिक यज्ञ में लगे हुए हैं। ये 130 करोड़
भारतवासी सब इसका अनुकरण करें, इन्हीं आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद। आप जैसे संतों से ही ये भारत भूमि समृद्ध है और आपके चरणों में बैठकर हम सब लोग भी श्रेष्ठताओं को प्राप्त करते हैं, जीवन की दिशा को प्राप्त करते हैं। आज का ये कार्यक्रम हमारा समारोह की ओर बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी गणमान्य नागरिक, जितने भी संत बंधु, जितने भी संस्थाएं, जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं, जितने भी प्रकृति प्रेमी स्वयंसेवक भारत के नागरिक विशिष्ट जन, जितने भी लोग यहां से जुड़े, हम हृदय के अंतस्तल से उनका आभार व्यक्त करते हैं और एक ही संकल्प यहां से व्यक्त करते हैं, स्वामी प्रभुनाथ के यहां चरणों में बैठकर हम सब लोग ये संकल्प लें कि हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, लड़खड़ा न जाएं, हे नाथ दो सहारा। दुष्प्रवृत्तियां बढ़ी हैं उनको उखाड़ना है, छल कंस कर रहा है उसको पछाड़ना है, स्वार्थ की बस्तियों को अब तो उजाड़ना है, गिरते हैं उठते हैं, हे नाथ दो सहारा, हे नाथ दो सहारा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब यहां से हम कल्याण मंत्र के माध्यम से इस कार्यक्रम को अपने समारोह की ओर बढ़ाएंगे। आप सभी मेरे साथ साथ में दोहराएंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सत्कार और एक ही भावना कि आज यहाँ से माँ प्रतीक प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का ये जो पावन पर्व हमने आयोजित किया, ये हमारे जीवन में स्थिर हो, स्थाई हो और हम अपने जीवन को माँ प्रकृति के साथ में, तादात्म्य के साथ में, संयोजन के साथ में आगे बढ़ाते हुए इस धरित्री को पुनः विश्व गुरु के पावन पद पर प्रतिस्थापित करने की ओर अपने कदम मजबूती से बढ़ा सके। पुनः आप सभी का बहुत बहुत